सूर्य कोटेन समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः चंद्र तपे सूरज तपे आयुध गण तपे आकाश इन सब से बढ़कर तपे मेरे माई का सुप्रकाश जय जय नारायणी सती शक्ति पुंज आधार चरण कमल धर ध्यान में प्रणाम साचे दरबार की सपनों को सच्ची में बना हेलो हेलो साइड फील तो नहीं आ रहा साइड फील बहुत कम आ रहा Thank you.
ठगता ने ये दरबार लगाया, हमने ठगता ने ये दरबार लगाया, हमने तो की तैयारी पूरे आने की बारी, हमने तो की तैयारी पूरे आने की बारी। और जो जो गाना खाते हैं मंगल दीवा आजा बाधाएं मिटा जाओ, इधर से ओ मंगल ओ दीवा आ जाओ बाधाएं मिटा जाओ। अब ये तालियां एक साथ, एक दो तीन चार। क्या किया झूझन वाली दादी की पावन ज्योति जली है, झूझन वाली दादी की पावन ज्योति जली है, आनंद है हर दिल में मन की कली खिली है, आनंद है हर दिल में मन की कली लगाई, भगता की कर सुनाई, हमने तो अर्ज लगाई भगता की कर सुनाई, मंगल में दीवा आ जाओ बाधाई मिटा जाओ, मंगल में दीवा आ जाओ गणेश जी महाराज को आकर क्या करना है। ओ बाधाएं सब दूर करो मंगल बनाओ, बाधाएं सब दूर करो मंगल सफल बनाओ, हर्ष हमारे मन में भक्ति भाव जगाओ, हर्ष हमारे मन में भक्ति भाव जगाओ, रखो अपमान हमारा शिव पार्वती का प्यारा, रखो अपमान हमारा शिव पार्वती का प्यारा, मंगल में दीवा आ जाओ गणेश जी महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। पितर जी जल्दी जल्दी गाओ, पितर जी गाओ बिना ब्रेक लिए गाओ, गाओ बस। बोले पितर जी महाराज जी की, बोले साचे दरबार की नहीं, जय जयकारा जोरदार, दोनों हाथों में उठाइए। बोले पितर जी महाराज जी की जय, बोले पितराणी जी महारानी की जय। भैया जी माइनर हो
ओ पीतर जी मनावा थाने आज सिर पर हाथ धरो, पीतर जी मनावा थाने आज सिर पर हाथ धरो जी देवा हाथ धरो, हाथ धरो जी देवा हाथ धरो, पीतर जी मनावा थाने आज सिर पर हाथ धरो, पीतर जी मनावा थाने आज सिर पर हाथ धरो। दीपक थी ही हो रखवाला, थी ही मारा कुल का दीपक थी ही हो रखवाला, भोला भाला कुछ नहीं जाना बालकिया में थारा, भोला भाला कुछ नहीं जाना बालकिया में थारा, मन दे जो आशीर्वाद सिर पर हाथ धरो, मन दे जो आशीर्वाद सिर पर हाथ धरो, जी देवा हाथ धरो, हाथ धरो जी देवा हाथ धरो, पीतर जी मनावा थाने आज सिर पर हाथ धरो, पीतर जी मनावा थाने आज सिर पर हाथ धरो, पीतर जी मनावा थाने आज, हो देवा सिर पर हाथ धरो। बोलिए पितर जी महाराज जी की जय, साचे दरबार की। हेलो 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 हेलो, हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो, बढ़ा दीजिए, हेलो 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 हेलो, बैलेंस बराबर कर दीजिए दोनों, इसका ज़्यादा है इसका कम है। हेलो हेलो हेलो, ये एकदम परफेक्ट है। हेलो हेलो, ये कम है, लेफ्ट वाला लेफ्ट। हेलो 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 हेलो, काली चार बोलिए श्री रानी सती माता की जय, बोलिए श्री तंधन दास जी महाराज की जय, बोलिए श्री राणा दास जी महाराज की जय, अटल छत्र सरकार की जय, अखंड ज्योत महाराज की जय। आइए, भक्ति देखनी हो तो आज सच में पूरे हिंदुस्तान के लोगों को देखना चाहिए आप लोगों की भक्ति। रात को अनाउंस हो गया जरा सा कि पहले आओ पहले पाओ के चक्कर में बेचारी लुगाया 5 बजे से आके खड़ी होगी। भक्ति तो इसको कहते हैं। धन्य हो साहब, हम तो फिर भी निपट अनाड़ी जीव हैं, आराम से सोते हैं आराम से उठते हैं सज धज कर आ जाते हैं। धन्य तो आप लोगों की भक्ति को है जिन्होंने कब से इंतजार कर लिया कि पहले चलो मंगल में आगे आगे बैठेंगे, पहले चलो मंगल में सबसे आगे बैठेंगे। धन्य हो धन्य हो। दास अनभिज्ञ है हर एक बात से, चाहे वो संगीत हो चाहे पाठ या किसी प्रकार का ज्ञान, कहीं कुछ त्रुटि यदि हो जाए तो क्षमा भगवती से भी और उसके भक्तों से भी। और आप सबसे भी करबद्ध निवेदन कि आज जो लोग भीतर हैं अहोभाग्य, जो लोग बाहर बैठ कर के सुन रहे हैं उन सबको भी साधुवाद और नमन करके मैं यही कहूँगा कि आप बैठे कहीं भी हो, आप चाहे दरबार को देख पाओ न पाओ, पर माई आपको हर कोने में देख रही है, इस भावना के साथ ही दरबार में बैठिएगा साहब। तो आइए
गजानन जी पितर जी के बाद भगवती का आवाहन करके आज का मंगल पाठ प्रारंभ करते हैं। बातें बहुत सारी है, यूट्यूब फेसबुक मैं तो ज़्यादा नहीं चलाता, पर आप लोग अक्सर मंगल पाठ कीर्तन भजन आदि देख ही लेते हैं। बार बार मेरे पास वही सब होता है जो हर बार होता है, नया कभी कुछ। और आप लोग भी बड़े दया है दिल में आप लोगों को कि मैं जब जब जो जो परोसता हूँ आप लोग ग्रहण कर लेते हैं, यह आप लोगों की दया है। तो आइए दरबार में माई का आवाहन कीजिए, मेरे साथ गाइएगा साहब, बुलाइएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, तुम लोग सीडी मंगा लेना, मोबाइलों को नीचे रखो, अपने पर्स थोड़ा गोदियों में लेकर अगर आगे खिसक पाओ तो थोड़े थोड़े आगे भी हो जाओ, क्योंकि आजकल आपसे ज़्यादा जगह तो आपका बटवा घेर लेता है, तो थोड़ा व्यवस्था बना लीजिए। बहुत सारी महिलाएं खड़ी है पीछे, उनकी भी फिक्र कीजिए साहब। अगर सच्चे दादी वाले हो तो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए सोचना शुरू कर दो, तब तुम दादी वाले कहलाओगे। थोड़ी व्यवस्था बनाओ, आगे की ओर खिसक जाओ ताकि जो खड़े हैं उन्हें भी दरबार में बैठने की व्यवस्था मिल जाए। और आइए पुकारिए मेरे साथ भगवती को दरबार में कि आओ दादी माँ, आओ दादी माँ, थारी आस लगाई है, आओ दादी माँ, आओ दादी माँ, थारी आस लगाई है, आओ दादी माँ। जो बाहर बैठे हैं मैं उन्हें नहीं देख पा रहा, वो मुझे शायद टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उनसे भी मेरा यही निवेदन है व्यासपीठ से कि गाइए। और आज यहाँ पर जो रिधोरा पे बैठकर मंगल हो रहा है, ये कम से कम अकोला के चौराहों तक सुनाई देना चाहिए, आपकी आवाज़ इतनी बुलंद होनी चाहिए। अरे आओ दादी माँ थारी आस लगाई है, मैं तो जो
Bye.
धन धन जिन वो धन धन जिन साके लियावो माँ आकर दर्श दिखाओ थोड़ा सा आवाज इसमें भी दे सकेंगे थोड़ा सा क्या ना अपनी आवाज भैया जब सुनाई नहीं देती तो और जोर से गाना पड़ जाता है थोड़ी सी दे दीजिए हाँ बाकी सुविधा सारी अच्छी है बस थोड़ा सा निभा लीजिए साहब बोलिए सच्चे दरबार की तो आओ मंगल प्रारंभ करो तब मंगल के बीच बीच में भगवती के अनेकों अनेक स्तवन भजन हम लोग गाते रहेंगे पर पहले मंगल 8:30 का टाइम था 9:30 हो गई एक घंटा तो गाड़ी पहले लेट चल रही आपने तो आओ आप इन्हें मेकअप करके चला गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बूफल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानं च कर्तारो वंदे वाणी विनायको या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मास्तुत शंकर प्रभतिर्भिदेवे सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषचार्यपा राघवं रामचंद्रं च रावणारिं रमापतिं राजीवलोचनं रामं तं वंदे रघुनंदनं सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी श्रीनारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी श्रीनारायणी नमोस्तुते अयंकारी सृष्टि रूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काल रूपिण्यै श्रीराणि सत्यये नमो नमः ओम श्री गणेशाय नमः श्री राणी सत्याय नमो नमः श्री हनुमते नमः श्री नारायणी चरित्रमानस प्रथमं स्कंद देवी प्रपन्नार्ती हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य अर्थात शरणागत की पीड़ा को दूर करने वाली देवी प्रसन्न हो संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो विश्वेश्वरी विश्व की रक्षा करो देवी तुम्हें चराचर जगत की अधीश्वरी हो तो प्रथम गौरी सुत गणपति का मन में धर ध्यान रानी सती के चरित्र का सुंदर करूं बखान मात शारदा कृपा करो बुद्धि करो प्रदान आस मेरी पूर्ण करो सुंदरी वरदान अरे ब्रह्मा विष्णु महेश के चरण कमल
संपुट तो बहुत हैं और बहुत विद्वानों ने बहुत नए नए संपुटों का, पर मेरे लिए तो संपुट भगवती नाम आश्रय के सिवा कोई दूसरा नहीं। आइए हम जो संपुट लगाएंगे वो प्रारंभ करें, उसके पहले 2 मिनट के लिए दरबार को दादीमय बनाने की चेष्टा करते हैं। होता है ना, आदमी चिल्ला तो लेता है हम दादी वाले हैं, पर मुँह से कई बार भीड़ में अटक जाए तो कहता है अजी हम दिल से दादी वाले हैं। ऐसे दादी वाले नहीं होते, ना मुख से, ना तन से, ना बोलने से। अगर बनना हो सच्चा दादी वाला तो बनो अपनी आत्मा से। जब आत्मा से दादी वाले बन जाओगे तो सतलोक से आवाज आ जाएगी कि इन्हें छेड़ो मत, ये मेरे हैं। पर उस लायक तो खुद को बनाना पड़ेगा ना। तो आइए प्रारंभ करें, उसके पूर्व पूरा दरबार, जितने भी लोग बैठे हैं, खड़े हैं, सुन रहे हैं, और जिन जिन लोगों के भी कान में मेरी आवाज जाती हो वो सब कहिए, ओ झुंझुनु वाली दादी हमें तेरा ही सहारा। झुंझुनु वाली दादी हमें तेरा ही सहारा, कर बीच भावर में मैंने आपको पुकारा। हंस कर बीच भावर में मैंने आपको पुकारा, ओ धोरो की धनिया ने हमें तेरा ही सहारा। धोरो की धनिया ने हमें तेरा ही सहारा, ओ तेरा ही सहारा दादी तेरा ही सहारा, ओ भैया तेरा ही तेरा ही सहारा, ओ हमें तेरा।
आया करे जद आवाज कितनी तेज आवे अन जयकारा में कंजूसी जयकारो थोड़ो जोर को लगाओ यारो बोलिए अटल छत्र सरकार की। वाह वाह जो बाहर बैठे हैं उनसे भी निवेदन है साहब ये ना सोचना कि मैं नहीं देख रहा आपको देखने वाली देख रही है जो जहां होगा वो वहीं जयकार पूरे जोश के साथ लगाएगा चाहे वो बजानिया हो गानिया हो या थाने सुनानिया हो उठाइए दोनों हाथ खींच लीजिए सांस और एक जयकार जोरदार फिर मंगल चालू करेंगे बोलिए अटल छत्र सरकार की। तो अब मैं कहूंगा कहो रे जय जय तो आप भी बोल देंगे कहो रे फिर मैं कह दूंगा बोलो रे जय जय तो आप भी बोल देंगे बोलो रे जो लोग भागवत कराते हैं जो लोग रामायण कराते हैं उन लोगों के लिए तो भगवान के जन्म का विवाह का कभी कभी प्रसंग आता है क्योंकि साल दो साल दस साल में करवाते हैं। अहो भाग्य हम दादी वालों के साहब हम लोगों को भगवती ने ऐसा ग्रंथ आज दे दिया श्री नारायणी चरित्रमानस कि जिसके अंदर हम जब चाहें जब पढ़ने बैठें माई का जन्मोत्सव भी होता है माई का मंगल भी माई का विवाह भी हम लोग तो हर दिन भगवती के रिसेप्शन का खाना खाने वाले लोग हैं साहब हाँ कितने भाग्य हैं हमारे और ये इसीलिए है भाग्य क्योंकि हम दादी वाले हैं सुनो जी हम दादी वाले हैं ओ हम दादी वाले हैं सुनो जी हम दादी वाले हैं सत की राह पे चलते हैं नहीं रुकने वाले हैं हम दादी वाले हैं सुनो जी हम दादी वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करें मंगल को हरे कहो रे जय जय। ढोलक वाले भैया भटकना नहीं है एक दो मैंने एक दो चलिए साहब हो कहो रे जय जय। अरे हमारी जय जय पर बजानी है देवता पाछो कर नहीं थे तो ठीक चल रहे हो बिना ना थोड़ी सी हो कहो रे जय कोई लारे भी बैठे हो ने मन वो ही कौन दिख रहे हो वो लगा दियो इतने बजे चलो चलो आप अगर ताली बजा लेवा तो शायद ताल बैठ जावे वन टू हर कहो रे जय जय। अब लुगाए आप गड़बड़ कर रही मैं वाने लड़ रही हूँ थाका पीछे अब थे भी अय्या नहीं भाई पूरो दरबार हर कहो रे जय जय हो बोलो रे जय जय हो कहो रे जय जय सती रानी की बावड़ी झूझन वाले की अपारा वेद शास्त्र पाए नहीं पारा पार्वती लक्ष्मी ब्रह्माणी सतके बल पर बनी भवानी ओ सावित्री ने सतके बल से छीन लिया था पति गौयम से सति सुलोचना रामादल से पति शेष लाई रघुवर से सीता सतवंती गुणकारी तेज पुंज रघुवर महारानी सत्य भामा रुक्मण राधा जी सत सीता में भागी हरि राजी सत की महिमा सदा सुहाई बार बार कवियों ने गाई ओ सत की महिमा रघुवर जानी अपने मुख से आप बखान ओ सत की महिमा अगम है कैसे करूं बखान शेष शारदा सचिपति भी न कर सकेगा भी न कर सकेगा ओ तदपि सकल सतियन सिरनाई मन में दृढ़ विश्वास बनाई शारदा गणपति करो सहाय कृपा करो रानी सती माई कलयुग में प्रगति मोरी माई सबको सत की राह दिखाई नाम ले तो उतर ही नर पारा सुध मंगल में नाम तिहारा ओ मंगल भवन अमंगल हारी नारायणी तेरे नाम सुखारी ओ महुरी सबई सादर सिरुनाई करहु कथा मुझ मंगल गाई कवि न हो नहीं वचन प्रवीणा दादी जी का शरणा लीना हो तुलसी चरण सिरना जाकी कृपा चरित
आधा नहीं याद, आधा तो आधो मंगल भी पढ़ लियो। अरे बोलो रे जय जय, हो कहो रे जय जय, तो बोलो रे जय जय सती रानी की मावड़ी झूझड़ वाली की। अब माता हर संवत 2032 ओम वार नवमी का शुभ दिन दिया माई ने जिस दिन मास पुनीत सुधी अश्विन का पूर्व दिवस विजयादशमी का सकल सुमंगल दायक गाथा कथा धरणी धर माता पूर्व जन्म की कथा सुहाई करनम सती चरण सिर नाई महाभारत विख्यात लड़ाई सकल जगत जानत मेरे भाई दुर्योधन एक दिवस विचारा कैसे जीतो रण दोस्ताला चक्र जीव कल्पना बनाई तही बल अर्जुन थे धरनाई अर्जुन संग कृष्ण भगवाना दुर्योधन मन में अनुमाना पांडव दल में खबर करा कर रचा व्यू योजना बना कर चक्र व्यू तोड़न रीति केवल अर्जुन को थी प्रतीति धर्मराज मन चिंता जाई कर ही विचार करो क्या भाई यही अवसर अभिमन्यु आया राहु जी को शीश नवाया हो शीश नवाया तात को क्यों कुमलाया रचना बनाई केवल अर्जुन लड़ सकता था चक्र व्यूह भर कर सकता था अर्जुन करे सुदूर लड़ाई यही कारण चिंता घिर आई धर्मराज चिंता मैं जाने अभिमन्यु ने वचन बखाने तोड़न चक्र तात जाऊंगा लड़ कौशल अब दिखलाऊंगा भीम कहे सुनो कथन हमारा अति कोमल है राजकुमारा कृष्ण बहन का प्राण प्यारा अर्जुन की आंखों का तारा हाथ जोड़ बोला अभिमन्यु शीश नवा बोला कभी अर्जुन पिता हमार कृष्ण बहन माता मेरी गुरु है द्रोणाचार्य गुरु है द्रोणाचार्य सुनहु पात गुप्त एक माता बैठी बतलाए पितु माता कई दिन पितु द्रोण गुरु पाही रचना चक्र व्यूह पढ़ आई हो चक्र व्यूह रचना समझाए माता सुनती ध्यान लगाई मैता मात गर्भ के माही जब पितु ने यह कला बताई व्यूह तोड़ बाहर आने के रीति बताई जब आगे हो सुनहु बात तही अवसर ताता आ गई नींद सो गई माता यही कारण बाहर आने की रीति सीख सका इस लड़की चक्र तोड़ वापस आऊंगा श्री चरणों में सिर लाऊंगा है क्योंकि रात और दिन आप लोग पढ़ते हैं मंगल पाठ को लेकिन भगवान की लीलाएं छुपी होती है हर अवतार में भगवती ने अवतार किस युग में धारण किया किस युग में कलयुग में और मातेश्वरी ने जो अपनी पूरी लीला विस्तार करी वो भी कलयुग के हिसाब से ही करी भगवान जिस जिस युग में अवतार लेते हैं उस युग के अनुसार उनकी लीला का क्रम चलता है ठीक उसी प्रकार महामाया नारायणी जिन्हें आज आप और हम श्री रानी सती के नाम से जानते हैं आपने भी कल्प मध्य आज से मंगल के अनुसार आज से 736 साल पूर्व अवतार धारण किया चाहती तो गरीब के घर को धन्य करती लेकिन नहीं इन्होंने नगर सेठ के घर को चुना अवतार लेने के लिए कलयुग की लीला कैसे चली नगर सेठ के घर में अवतार लिया कि मैं जो मांग करूंगी वो मेरी मांग पूरी होगी अगर गरीब के घर में होती तो मांग पूरी नहीं होती ना सेठ के घर में जन्म लेने के बाद इसने समाज के लिए क्या किया आज
हम लोग महामाया जगदम्बा के रूप में इसको पूज रहे, दादी झोली भर दे, दादी बेटो दे दे, दादी पोतो दे दे, बंगलो दे दे, गाड़ी दे दे, पर तुम्हारी दादी ने क्या किया कभी तुमने उस पर ध्यान? छोटे छोटे रूपों में तो मंगल और संगोष्ठियों के दौरान बहुत कुछ सिखा समझा दिया, पर आज इस दरबार में जितने बैठे हैं उनके बीच में एक बात रख दूं, आज ये जो नारी समाज को इतनी आज़ादी मिल गई ना कि वो खुद से कहीं निकल सकती है, कहीं बढ़ सकती है, वो आज़ादी देने वाली कोई और नहीं बल्कि हमको खुद माँ रानी सती दादी है। आप लोगों को 736 साल पहले पढ़ाया नहीं जाता था, लेकिन उन्होंने पढ़ने की व्यवस्था कर दी साहब। मंगल पुस्तिका में रमाकांत जी द्वारा लिखवा दिया कि पिताजी मैं भी पढ़ने जाऊंगी, 5 वर्ष की आयु में विद्या पढ़ने मैं पढ़ने जाऊंगी। जिस युग में छोटी छोटी बालिकाओं का विवाह प्रौढ़ पुरुषों के साथ कर दिया जाता था, इतिहास उठा करके देखो साहब, ये बातें मनगढ़ंत नहीं है। उस युग के अंदर योग्य सुयोग्य वर क्या होना चाहिए, ये ज्ञान देने वाली भी महामाया है। देखिए आज आप लोगों को जो तस्वीर बायोडाटा दिखाकर पूछ लिया जाता है ना कि बेटा समझ में आया, ये आजादी देने वाली भी आपको भगवती रानी सती है। वरना पंडित तो ढूंढ ही रहा था पर तंधन उसकी आंखों के सामने आने नहीं दिया। जब लौट कर निराश आ रहा था तब मातेश्वरी ने कहा कि जाओ हिसार में और वहां जाकर वहां के सेठ श्री जाली राम जी के यहां पर उनके ज्येष्ठ पुत्र तंधन के साथ मेरा विवाह पक्का करके आ जाओ, तो ये फ्रीडम देने वाली भी तुमको। और तीसरा और प्रमुख मातेश्वरी ने जो संसार को सीख दी कि किसी भी स्त्री को पुरुष के बिना असहाय मत जानो। अरे धनी धराशायी हो गया मेरा, अब मुझे छुपना चाहिए, रोना चाहिए, आप ना रोई ना छुपी, आपने क्या किया, रणचंडी का रूप धर के शत्रु यवन सेना का संहार कर दिया। ये सब बातें क्या सिखाती है कि कभी खुद को कमजोर। तो अगर आज महामाया ने आप लोगों के लिए इतनी व्यवस्था करी तो क्या आज आपका धर्म नहीं बनता उनके लिए भी कुछ करने का? बनता है ना, तो फिर सौगंध खाओ इस दरबार में कि आज के बाद हम जब भी मंगल में जाएंगे, जैसे आज सज धज कर बैठे हो ना, ऐसे ही सज धज कर हर मंगल में जाना। अरे आप लोग किसी के घर जाते हो तो क्या उसके स्टेटस के बराबर कपड़े नहीं पहनते कि आज सेठ के घर जाना है तो बढ़िया से बढ़िया पहनना है? तो कभी ये भी तो सोचो कि मेरी माई कैसी दिखती है, मुझे कम से कम उसके जैसा बनकर उसके दरबार में। बराबरी वाले के यहां पर बराबर के कपड़े पहन के जाया जाता है ना साहब, तो फिर मेरी माई के दरबार में क्यों आप लोग? आज के बाद हम जब जब भगवती का मंगल करेंगे तब तब हमारे ऊपर साड़ी होगी, माथे पर चुनरी होगी। अरे उसने हमें इतनी आजादी दी तो कम से कम उसको इतना तो हम दे सकते हैं कि माँ हम मारवाड़ी हैं और हमने अपनी सभ्यता नहीं छोड़ी। बस निवेदन, ये भाषण नहीं है, ये आप लोगों से निवेदन है। धर्म के लिए समाज का जुड़ना बहुत जरूरी है साहब, और अगर हम नहीं जुड़ेंगे तो एक दिन धर्म का पतन होने में देर नहीं लगेगी। उस पतन को रोकने के लिए हम जिस समाज से निकले हैं उस समाज की धरोहर को बचाना भी हमारे और आपके ही हाथों में है। तो आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं, अभिमन्यु के विषय में हम लोग चलते हैं। हो रथ किया तैयार सारथी ने, घोड़े सुंदर जुतवाए और सब प्रकार की अस्त्र शस्त्र रथ के अंदर रखवाए। हो अभिमन्यु बना कर तीर वेश जब रथ के पास पधारे है, जय घोष हुआ चहु और सभी ने आशीर्वचन उचारे है। जय घोष सुना जब मेलों में ओ तेरा बहुत हर्षाई है, तिरण को जाने वाले हैं, जट आरती थाल सजाई है, ओ सब तो ताज बदन पर है, मुख चमके चंदा की नाई, उदासी तैयार थी थाल थमा वह
रथ रुका पति का आकर के अभिमन्यु रथ से उतर पड़े। देखा जब पति का वीर वेश श्रीमाशु नयन से ढुलक पड़े। हे पति बोले हमको करो विदा, निकला चनि हर्षा करके चढ़ गया वीर रथ अबला पर। अरु वचन कहे मुस्का करके जावो स्वामी रण भूमि में और विजय प्राप्त करके आना। छुट जाए दुश्मन के तुम्हें ऐसे कर तब दिखलाना। अभिमन्यु बोले सुनो प्रिय मैं रण में प्रलय मचा दूंगा। मानव दल के महारथियों को मैं ना को चने चबा दूंगा। हो लाशों का ढेर लगा दूंगा। हे प्रिया आज रण भूमि में शोणित की नदी बहा। नहीं तेरी मांग लगाऊंगा अर्जुन का पुत्र कहूंगा। बलशाली भीम युधिष्ठिर का मैं आज नाम चमकाऊंगा। हे प्रिया करो मत तुम चिंता, नहीं माँ का दूध लगाऊंगा। या तो आऊंगा युद्ध जीत या वही खेत रह जाऊंगा। ओ तरा कहे जाओ प्रियतम और माथे तिलक लगाया है। पति के चरणों को स्पर्श किया और जय जयकार सुनाया है। प्यारी पत्नी से विदा होए माता को शीश नवाया है। कह धारी लगी बहने माँ के बेटे को गले लगाया है। फिर आशीर्वचन सुना करके चरण बंदित वीर पयाना संग लिया सारथी सुजाना। दौड़ वीर रण भूमि आयो रथी को देख और बढ़वायो। रक्षक दल सब पीछे छूटा दौड़ लगाई घेरा टूटा। चक्र व्यूह के अंदर जाकर मार काट करता बढ़ बढ़ कर। हाहाकार कहूं करते थे कटे असंख्य मुंडत ही काला। मुंड मुंड छोड़ित बहनाला वो छोड़ लड़ाई भागन लागे। लगतड़ मची फौज भई आगे वो सब तरथी मन चिंता छाई। कही विधि काबू करे लड़ाई तो सबने मिल मंत्रणा करी। द्रोण कहे धरती मिलकर चारों बालक वीर पड़ो धरणी पर। शत्रु भी लौटी
समझाई चिंता छोड़ उठो मेरे भाई अमर नाम अभिमन्यु ने किया वीर गति पाए वंश नाम रोशनी किया सकल जगत के माय सकल जगत के माय हो मात सुभद्रा ती पल आई जैसी बछड़ा ढूंढे गाय हो धर्मराज व्याकुल भयभारी भीम नकुल अर्जुन असुरारी नयन नीर ढूंढे चौ ओरा कहा गया अभिमन्यु मोरा हो कहा गया गांडीव तुम्हारा सुदर्शन का तुम्हारा किति भाग अभिमन्यु प्यारा आवे पा तेरी मात पुकारे चूरू था कुछ तो बतला रे आए पुत्र तू प्यासा होगा नहीं कुछ खाया भूखा होगा आ बेटा तेरा मुख धुलवा दूं अपने सभा बीच तेरा सिपाही बिखरे बाल मांगती सुनी हाथ जोड़ बोली सुन गुन्नी पति सिधाए यमपुर लोका हम तो यही कारण से रोका सती होने की आज्ञा दे दो हमको भी सबके मुख गए सुखाई मुख पर बात एक नहीं आई कठिन समय जाना भगवाना बोली बच नहीं अनुमाना गर्भवती तुम हो मेरी बेटी छोड़ो संग जाने की है ती चक्रवर्ती होगा सुत तेरा नाम परीक्षित वचन है मेरा अभिमन्यु से मिलन का सुन लो सही उपाय कलयुग में लेगा जन्म एक वैश्य घर जाए एक वैश्य घर जाए हो सती होने की आस तुम्हारी दूरी होगी राजकुमारी हो कलयुग में जब तू जन्मेगी शुभ नारायण नाम धरेगी अभिमन्यु भी कलयुग माही संग रचाय विवाह सती होगी सदिन भुगलावा जो जन कृष्ण की भक्ति करेंगे मुझसे पहले मां को डरेंगे वो घर घर तेरी पूजा होगी क्या गृहस्थ क्या तापस जोगी जो रानी सती नाम जपेगा सुख संपत्ति से कोटे रहेगा गाव झुंझणू वास करेगी घर घर सत्य की ज्योति कन्या ध्यावे घर वर पावे युवती सुंदर पुत्र खिलावे वृद्धा जपे अमर पद पावे व्यापारी धन खूब कमावे रोग दोष सारा कटे जो कोई तुझ तो ध्याए वैभव सकल मिले उसे रमाकांत गुण गाए तो सगला भगत गुण गाए योगी जपे रोग छुटे
जावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे मंगल उत्सव ब्याह सगाई पूजा हवन कथा सुखदाई नकल काज पल में सब रेंगे शी माता गुड़ खानी तेरे तन में वास करेगी जब तू अग्नि प्रवेश करेगी यद्यपि अनेक नाम जगमाई मेरा वास तेरे मन माही यही कारण ये नाम दिया है नारायण कल्याण किया है कह उत्तरा सुनो गिरधारी सकल सभा हर्षित भई भारी साधु साधु की ध्वनि उचारी अहि प्रकार कलयुग के माई लियो जन्म उतरा सिधाई हो नारायण सो नाम सुहायो कलयुग में आनंद बढ़ायो कथा पुनीत सकल जग जानी कहते मैं संक्षेप बखानी ओ पूर्व जन्म की कथा सुहाई रमाकांत सेवक कह गाय मुख्य कथा अब करूं आरंभा शीश नवाए माति जगदम्बा जय विधि की ओ चरित शुभ कारी नाम वाणी सती दादी धारी ओ बहुरी सकल दे बने सिर नाए कहूं करित्र कवित बना अंतिम दोहा मिलकर के पूरा दरबार जो भीतर हैं वो भी और जो बाहर भी राजे हुए हैं वो भी मिलकर के गाइए भारत देश महान है जग में है विख्यात उसी भूमि पर सतीमार गुरु की आज्ञा मान कर पति पद ने लगाए छोटे से एक गांव में जन्म लियो है जाय वो छोटे से एक गांव में जन्म लियो है जाय कर बीच भंवर में मैंने आपको पुकारा फंस कर बीच भंवर में मैंने आपको पुकारा ओ दोरा की धनियाड़िया में तेरा ही सहारा धनियाड़िया में तेरा ही सहारा जगत में ऐसा जिसे तूने ना उबारा कौन जगत में ऐसा जिसे तूने ना ओ मोटी से ठानी हमें तेरा ही सहारा बोलिए सच्चे दरबार की जय तो आइए एक स्तवन उसके बाद दूसरा अध्याय चालू करेंगे बोलिए सच्चे दरबार की जय आओ गाइएगा मेरे साथ में नई नई रचनाएं आज हम दरबार में गाएंगे ध्यान से सुनिएगा साथ में गाइएगा हो मैया आओ तो सरी हो दादी आओ तो सरी
तबरिया बुलावे तेरी देर क्यों करी हो मैया आओ तो सरी हो दादी आओ तो सरी ओ तबरिया बुलावे देर क्यों करी तबरिया बुलावे अरे इतनी इतनी कौन गा रहा है इतनी इतनी आप मारवाड़ी में गा रहे हैं ना तो शब्द मारवाड़ी होना चाहिए ना मारवाड़ी में हमारे इतना इतनी उतनी होता ही नहीं है मारवाड़ी में होता है अत्रो अत्री मारवाड़ी हरि तबरिया बुलावे अत्री देर क्यों करी अत्री वर्ड पकड़ना साहब देखो अड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे को सुधार के चलना आज तुम सबको छूट है ट्यूशन की तुम अपने पड़ोसी की ट्यूशन लो देख सही गा बेकाई गा रिया बोई तू गा अरे टबरिया बुलावे अतरी अतरी समझ में आ गया गाएं मिलकर के और देखिए नृत्य के लिए जगह बहुत कम है और अक्सर लोगों को होता है कि हम आगे जाएं पीछे जाएं मेरा निवेदन है जो जहां हो वो वहीं खड़े होकर के रिझा लीजिएगा भाई है ना क्योंकि ये जगह जो है आज बाप रे बाप आज अगर जलसा इससे तीन गुना भी होता तो शायद भर जाता चलिए कृपा मातेश्वरी की हम सबके ऊपर आइए मिलकर के भजन गाएंगे दोनों हाथों की सेवा करेंगे पुस्तकों को मोड़कर अपनी गोद में रखेंगे बस जमीन पर नहीं रखेंगे क्योंकि ये ग्रंथ है मंगल पाठ हमारे लिए ग्रंथ है ना इसीलिए जमीन पर मत रखना अरे हम जब रामायण महाभारत को जमीन पर नहीं रखते तो भगवती के मंगल की किताब को जमीनों पर क्यों रखना रखिए गोद में और सेवा करके दोनों हाथों की गाइएगा हो मैया आओ तो सरी हो दादी आओ तो सरी तबरिया बुलावे अतरी देर क्यों करी और मैया आओ तो सरी हो दादी आओ तो सरी टाबरिया बुलावे अतरी देर क्यों करी ओ सेवकिया बुलावे अतरी देर क्यों करी जल झारी बन जाऊं मैं मन में आवे मावड़ी हरी जल झारी बन जाऊं मैं अरे दहली शीतल करूं रात दिन दहली शीतल करूं रात दिन अरे चरणामृत बन जाऊं रे थारो चरणामृत बन जाऊं अरे दादी आओ तो सरी हो मैया आओ तो सरी अरे टाबरिया बुलावे अतरी देर क्यों करी ओ मैया बरिया बुलावे अतरी देर क्यों करी सिंहासन बन जाऊं मैं मन में आवे मावड़ी हर सिंहासन बन जाऊं मैं सिंहासन कैसा होता है सिंहासन बनाओ ना एक बार अरे मन में आवे मावड़ी हर सिंहासन बन जाऊं मैं मन में आवे मावड़ी हर सिंहासन बन जाऊं मैं अब एक छोटा सा सवाल करेंगे सबसे बताओ दादी जी सिंहासन में बैठती है
है हाँ सिंहासन पे सिंहासन मन में आवे मावड़ी थारो सिंहासन बन जाऊं मैं मन में आवे मावड़ी थारो सिंहासन बन जाऊं मैं और देखो वो कहां पर बैठती है सिंहासन में कल दर्शन किए अरे घट में बैठे मावड़ी जद 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 निरख निरख हर खाऊं रे मैं तो निरख निरख हर खाऊं मैं दादी आओ तो सरी ओ मैया आओ तो सरी अर ताबरिया बुलावे अतरी देर क्यों करी ओ रे मैया आओ तो सरी कौन है थोड़ा देख लीजिए ना साहब हाँ मेरे को समझ नहीं आया दादी अच्छा अच्छा ये बच्ची मिसिंग है हाँ नहीं थोड़ा सा हाँ देखिए जिसकी भी बच्ची हो साहब हमारा तो दूसरा अध्याय टिका हुआ इस बच्ची पर है ये बच्ची देखिए किसकी है साहब रो रही है माई का दरबार हंसने के लिए होता है रोने के लिए नहीं ओ आओ तो सरी ओ दादी आओ तो सरी अरे टाबरिया बुलावे अतरी देर क्यों करी ओ मैया आओ तो सरी दादी आओ तो सरी टाबरिया बुलावे अतरी देर क्यों करी देखिए वो ध्वजा दिख रही है दादी की अब की बार वही बनना है अरे मन में आवे मावड़ी हरि धर्म ध्वजा बन जाऊं मैं मन में आवे मावड़ी हरि धर्म ध्वजा बन जाऊं मन में आवे मावड़ी हरि धर्म ध्वजा बन जाऊं मैं मन में आवे मावड़ी हरि धर्म ध्वजा बन जाऊं मैं अरे शिखर बंद ऊपर लहराऊं शिखर बंद ऊपर लहराऊं अरे थारो मान बढ़ाऊं रे मावड़ी थारो मान बढ़ाऊं मैं माई लहर लहर इतराऊं दादी आओ तो सरी दादी आओ तो सरी बनिया बुलावे अतरी देर क्यों करी ओ मैया आओ तो सरी ओ दादी आओ तो सरी बनिया बुलावे अतरी देर क्यों करी
की सेवा जरा पूरा दरबार मिलके हर सिर चूनर बन जाऊं मैं मन में आवे मावड़ी हर सिर चूनर बन जाऊं मैं चूनर चूनर जिसने ओढ़ी है वो चूनर पकड़ेगा बाकी साड़ी का पल्ला पकड़ेंगे हो मन में आवे मावड़ी हर सिर चूनर बन जाऊं मैं मन में आवे मावड़ी हर सिर चूनर बन जाऊं मैं हर सिर चूनर बन जाऊं मैं चूनर बन जाऊं मैं मन भावन श्रृंगार सजू मैं भावन श्रृंगार सजू अरे मन भावन श्रृंगार सजू मैं भावन श्रृंगार सजू अरे नित थारे मन भावरे मावड़ी नित थारे मन भाव ओ दादी आओ तो सरी ओ मैया आओ तो सरी तावरिया बोलावे अतरी फेर क्यों करी ओ मैया जवाब नहीं आया तो अंत में बोलिए हो जो भावे सो कहो मावड़ी वैसो ही बन जाऊं मैं जो भावे सो कहो मावड़ी वैसो ही बन जाऊं हो जो भावे सो कहो मावड़ी वैसो ही बन जाऊं मैं जो भावे सो कहो मावड़ी वैसो ही बन जाऊं मैं अरे हाजिर रह सेवा में हाजिर रह सेवा में तेजस हाजिर रह सेवा में तेजस हाजिर रह सेवा में तेजस झुक झुक हुकम बजाऊ रे मावड़ी झुक झुक हुकम बजाऊ रे भाई जीवन सफल बनाऊ रे दादी आओ तो सरी ओ मैया आओ तो सरी हर टाबरिया बोलावे अतरी देर क्यों करी ओ मैया आओ तो सरी दादी आओ तो सरी टाबरिया बोलावे अतरी देर क्यों करी आइए एक बार पूरा दरबार रखिए मोबाइल नीचे रखो और खाली हाथ उठाओ और मिलकर के पुकार लो दरबार में हो मैया आओ तो सरी और दादी आओ तो सरी टाबरिया बोलावे अतरी देर क्यों अरे 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 मैया आओ तो सरी दादी आओ तो सरी टाबरिया बोलावे अतरी देर क्यों करी थारा सेवकिया बोलावे अतरी देर क्यों करी थारा सेवकिया बोलावे अतरी देर क्यों करी मैया टाबरिया बोलावे अतरी देर क्यों करी टाबरिया बोलावे अतरी देर क्यों करी ओ मैया आओ तो सरी वो दादी आओ तो सरी कितना याद हुआ गाओ टाबरिया बुलावे अतरी देर क्यों करी ये दरबार में जो लोग जोत के पास बैठे हैं उनको याद हुआ गाइए आप लोग भी हो मैया आओ तो सरी वो दादी आओ तो सरी अरे टाबरिया बुलावे अतरी देर क्यों करी हो तेरा ही सहारा हमें तेरा ही सहारा हमें तेरा ही सहारा ओ जूझने वाली माई हमें
वाली दादी हमें तेरा ही सहारा। बोलिए रानी सती मात की जय। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री रानी सत्यै नमो नमः, श्री हनुमते नमः।